सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज फ्रांस पाल एके द 90s का। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जो कि CSX का एकदम लेटेस्ट बिल्ड है हमारे मी 11X पोको F3 और रेडमी K40 के लिए, जो कि MIUI 14 के वीकली बिल्ड के ऊपर बेस है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते, चलिए शुरू करते हैं। आज उधर हम लोग चलेंगे फोन के अबाउट सेक्शन में, जहां पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे MIUI 14 का MIUI CSX 14.0.22.12.26 dev beta देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को डिवाइस की थोड़ी बहुत स्पेक्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इन डेप्थ जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग को जो कर्नल देखने को मिलती है वो पफ कर्नल देखने को मिलती है, जो कि अप स्ट्रीम 157 के ऊपर बेस है। आते हैं होम स्क्रीन पे वापस, तो यहाँ पे जो हम लोग को लॉन्चर देखने को मिलता है वो लॉन्चर हम लोग को यहाँ पे मॉडरेट देखने को मिलता है, जिसमें भाई साहब तगड़ी से तगड़ी लेवल के कस्टमाइजेशन है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं बताऊँ, जो नया वाला हम लोग को एनिमेशन देखने को मिलता है वो भी आप इसको एड ऑन कर सकते हो, अनलॉक एनिमेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। यहीं पर अगर हम लोग विजिट्स की बात करें तो विजिट्स में हम लोग को इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं देखने को मिले हैं, थोड़े बहुत ही MIUI 14 के विजिट बाय डिफॉल्ट देखने को मिले कि मुझे नहीं यूज़ करने थे, एक ही दो थे, इस वजह से मैंने अनलोड मार दिया है, मतलब पुराने वाला जो विजिट सर्वर है उसी को यूज़ कर रहा हूँ अभी। इसके अलावा यहाँ हम लोग की डिस्प्ले कुछ ज़्यादा ही फ्लिकर कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे सेट करके देखें अगर बाय चांस ये वर्किंग है, क्योंकि एंटी फ्लिकर मोड हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। खैर, यहीं पर अगर हम लोग टाइल्स की बात करें ऊपर कंट्रोल सेंटर की, तो हम लोग को वही टिपिकल सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एड ऑन में मुझे बस एक चीज़ देखने को मिली है, जो कि है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जो कि मुझे काफ़ी यूजफुल लगा है। जहाँ पे अगर देखें इवन तो इग्नोटो मोड भी हम लोग को देखने को मिल ही रहा है बहुत टाइम पीरियड से, उसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। नेट और इंटरनेट सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली वर्किंग है, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो हम लोग को वही टिपिकल सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इंडियन ऑलवेज ऑन जो रहते हैं इमेजेस, वही सारी चीज़ें हैं। इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। डिस्प्ले पे आपने अभी देखा ये 60:120 वही सब है, इवन दो हम लोग को MEMC और सुपर रेजोल्यूशन भी देखने को मिलता है, जो कि इन्हेंस करता है वीडियो को। AI HDR इन्हेंसर भी देखने को मिल जाता है, जो कि सही से काम कर रहा है। यहीं पर ही सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट एकदम परफेक्टली वर्किंग है, भाई प्रेस पे लगा हुआ है, ओके। और यहाँ पे फेस अनलॉक भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहीं पर एडिशनल पे आए तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर स्पीकर है, यहाँ पे रैम एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है, up to 5GB देखने को मिलता है, और कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। यहीं पर बैटरी की बात करें तो यार देखो परफॉर्मेंस तो हम लोग को तगड़ी मिल रही है, क्योंकि मैंने बैक टू बैक गेमिंग भी की है, सारी चीज़ें हैं, एंटूटू बेंचमार्क का रिजल्ट और CPU टॉरल का दो बार टेस्ट किया है, मतलब कि परफॉर्मेंस मैंने बैक टू बैक करता गया एकदम लास्ट में जाके, मतलब N22 हो गया, गी बेंच हो गया, इसके अलावा ML टेस्ट हो गया, उसके बाद मैंने CPU टॉरल किया है, जो कि मतलब बैक टू बैक तीन चार टेस्ट होने के बाद भी मुझे CPU टॉरल का जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा और कॉन्स्टेंट देखने को मिला, उस पर भी अभी हम लोग थोड़ी देर पे आएंगे। तो बैटरी बैकअप अभी हम लोग के फ़ोन की बैटरी बाकी है 38, और जहाँ पे हम लोग को स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था लगभग 3 से 4 आवर के आसपास, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो तो 6 से 6.5 आवर का SOT आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कैमरे पे आए तो हम लोग को कैमरा MIUI का एकदम लेटेस्ट कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4K 60 FPS तक की चीज़ें हम लोग को देखने को, भाई टेढ़ा कहाँ हो गया, ओके, तो 4K 60 FPS तक की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। बाकी सब और कुछ इसमें है नहीं है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें MIUI, भाई सुपर मून देखने को मिलता है, डुअल कैमरा है, ये सारी टिपिकल चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ ज़्यादा बाकी नहीं है। N22 पे आए तो भाई 7 लाख 10,000 समथिंग, ओके, 7,14,914 मीन्स 7,15,000 के आसपास हम लोग को स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें बैटरी टेम्परेचर की, 17.2 से लेके 25.7 तक की गया है, मीन्स 8.5 सेल्सियस, भाई बहुत ज़्यादा लो है पता है मुझे। इसके अलावा बैटरी जो यूजेस हुआ है यहाँ पे 5% ड्रॉप हुआ है। स्टोरेज टेस्ट की यहीं पर ही अगर बात करें तो स्टोरेज टेस्ट में हम लोग को जो देखने को मिला वो 48,433 है, जो कि काफ़ी तगड़ा स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग, ओके, काफ़ी अकॉर्डिंग क्या यार, अच्छा ही, सिंगल में 985 है,
Geekbench में, और मल्टी में हम लोग को 3262 देखने को मिला है। MLTS की यहीं पर ही अगर बात करें तो MLTS का जो हम लोग को स्कोर देखने को मिला था CPU में वो 404 है। इसके अलावा GPU में हम लोग को 1339 देखने को मिला है। CPU टोटल की बात करें तो ये सबसे पहला टेस्ट है जो मैंने बैक टू बैक तीन चार बार जब मैंने टेस्टिंग किया, N22 की हो गई, Geekbench की हो गई, MLTS की हो गई, MLTS के CPU और GPU दोनों की, उसके बाद मैंने जब ये टेस्ट लिया तब जाके मुझे ऐसी कोई परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और उसके बाद मैंने डिवाइस को केवल 2 मिनट के लिए साइड में रखा है और उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया भाई 9 CPU टोटल, भाई साहब तगड़ी परफॉर्मेंस है एक लेवल की, तो है ऐसा कुछ। ओके, इसके अलावा और कुछ ज्यादा यहाँ पे चीजें हैं नहीं। सेफ्टी नेट की अगर बात कर ली जाए तो सेफ्टी नेट हम लोग को बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डीआई इन्फो की बात करें तो वाइडबैंड L1 है, वही सारी टिपिकल सारी चीजें देखने को मिलती हैं और कुछ ज्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो वैसे मैंने अब कंक्लूजन वाले पार्ट पे आ जाए तो भाई देखो MIUI बेस और गेमिंग अगर तुम्हें चाहिए तो हाँ ऑफकोर्स जा सकते हो, डे टू डे डेली लाइफ में तुम्हें बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस और फीचर्स भी दे रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हाँ MIUI के 14 के विजिट थोड़े बहुत मिसिंग लगेंगे तो वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत तुम्हें, नहीं तो बाकी सब तगड़ा है यहाँ पे। अब आता है इसके पबजी के गेम प्ले पे, तो पबजी का गेम प्ले ऐसा मैं करूँगा कि अभी वीडियो रिलीज हुई होगी शायद मे बी स्ट्रीम के बाद तो आप देख रहे होगे, नहीं तो अगर स्ट्रीम मेरे से हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगी तो मैं इसका गेम प्ले का वीडियो अलग से डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।